Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Sidharth Arora, and continuing the series of summary course of Laxmikanth for Polity. This is the new topic for today, the Union and its Territory. Apni books khol lo. Ye tumhare chapter wise chapter chal rahe hain, to we are not making any amendments in the so-called the sequence of the book. So aap us book ko follow karte raho, and I'll keep on telling you how to study this book for the sake of your polity prelims exam, especially. My friends, I have to ensure that aapko ye book, Laxmikanth, completely aa jaye. No doubt about it. I will tell you everything that is required to be told with regards to this exam. But what is very important, I will repeat this in every lecture. Okay, make no mistake about it. This is only a part of this preparation. About one third, about 30%, 30-40% of your prelims with regards to polity is book mein se aayega. You have to study more. Is galat fehmi mein mat rehna. Alright? That this book will be the only book jisse mera kaam ho jane wala hai. Yes, I will ensure that you understand this book in a different light. Okay? Is book ko samajhne ka ek tarika hota hai. Okay, for that matter, jisko polity aati hai, uske liye book bahut simple ho jayegi. So after a while, tumhe lagega, Laxmikanth badi simple book hai. Remember, it is a good book, civil services book, but aage bhi padhna hai. Okay, this is about me. I'm Dr. Sidharth Arora. We have met before multiple number of times. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. This is about the Plus platform. My friends, ye bhi ek zaruri conversation jo hamare beech mein aapke beech mein kai baar ho chuki hai. A very important part that you should know, that Plus platform par aapko best of the best educators ke अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के एक्सपर्टीज के अनुसार आपको प्लस कोर्सेज मिलेंगे. ऑल ऑफ यू हु वांट टू बी सीरियसली कंटेंडिंग विद दिस एग्जाम, हु आर सीरियस कंटेंडर्स, प्लीज एंश्योर कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, जिससे तुम्हें स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिलेगी. आप इन प्लस कोर्सेस में, मेरा अपना कोर्स होगा, पॉलिटी का प्लस कोर्स होगा, हिस्ट्री का प्लस कोर्स होगा, ज्योग्राफी, सोशियो, एथिक्स, ऑल द वे फ्रॉम प्रीलिम्स ऑल द वे टिल द इंटरव्यू स्टेज, आपके पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन होंगे, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन हैव वन टू वन डाउट सेशन, यू कैन स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन द अमाउंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं. मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इन्हीं अमाउंट पे मिलेंगे. इस वीडियो के लिंक में जाना, वहां पर एक सब्सक्राइब टाइप का लिंक होगा, उसको क्लिक करो, आपको डायरेक्टली यू विल कम टू दिस सब्सक्रिप्शन, जहां पर यू विल सी वेरी नाइसली मेड टेस्ट सीरीज. वहां पर तुम्हें मेरा कोर्स मिलेगा, कोर्स ऑन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पॉलिटी. दिस एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी अवेलेबल विद इन 35,000 रुपीज. उसी लिंक को क्लिक करो, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा. यूज दिस कोड, रेफरल कोड SIDLIVE, सिड लाइव, मेरा कोड अप्लाई करो. पूरा वन ईयर सारे सब्जेक्ट्स विद इन दिस अमाउंट, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, विल बी अवेलेबल टू यू. सिड लाइव कोड यूज करते ही पूरा वन ईयर विल बी अवेलेबल टू यू आर 31,500. उसी लिंक को क्लिक करो, टू ईयर कोर्स पे जाओगे. कॉलेज वाले मेरे फ्रेंड्स, ओके, तुम्हारे लिए 56,000 में तुम्हें टू ईयर्स में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे. वहां भी यही कोड यूज करो, SIDLIVE, अप्लाई, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट. आई थिंक इट इज वेरी 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 इकोनॉमिकल, वेरी वेरी पावरफुल. कोर पॉलिटी प्रिपरेशन, कोर सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे. प्लीज रिमेंबर, इस अमाउंट में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. ओके, टेक योर डिसीजन, डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम. योर डिसीजन, योर करियर, योर रिस्क, योर रिवॉर्ड. ओके, आज का टॉपिक ये तुम्हारे बुक के अनुसार है, तो यू कैन ओपन द बुक, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. मुझे लगता है इन दिस टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा भागदौड़ में हो गया. ओके, इन द बुक बड़े क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एज क्लियरली एज पॉसिबल. जिसको वो अच्छा लग रहा है वो फाइन, जिसको ये ठीक लग रहा है बेटर वैन. आई दाइज आई एम नॉट चेंजिंग द कंटेंट्स एट ऑल. पहले हम बात करते हैं इंडिया, आर्टिकल वन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये लिखा हुआ है तुम्हारे आर्टिकल्स में. ओके, द आर्टिकल वन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? बट ये स्टेट्स क्या है? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्टेट्स क्या है? द वर्ड यहां पे लिखा हुआ टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स होते हैं ज्योग्राफिकल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और एस एनी सच टेरिटरीज जो हम फ्यूचर में कभी एक्वायर करेंगे. इन अदर वर्ड्स, जो स्टेट्स वर्ड है दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड फ्रॉम जो हमको लगता है. इन अदर वर्ड्स,
सिर्फ उस टाइम पर डिफाइंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है, इट कुड बी अ फ्यूचर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद बेरोबारी बताने वाला हूं. ओके, सो फ्यूचर में हम कोई एरिया एक्वायर कर लेते हैं तो भी इट विल बिकम यूनियन ऑफ स्टेट. सो प्लीज इसको स्टेट ही मत समझ लेना, द वर्ड हियर इज टेरिटरी. यूनियन ऑफ स्टेट से अगर आप नोटिस करो तो टेरिटरी इज अ फार ब्रॉडर वर्ड. ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड इज अ स्लाइटली नैरोअर फंडिंग. व्हाई? बिकॉज इस नई टेरिटरी के साथ मेरी पावर शेयरिंग कुड बी डिफरेंट. यू आर अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मल स्टेट के साथ मैं फेडरल स्ट्रक्चर में मानूंगा, सेवन शेड्यूल मानूंगा, डिविजन ऑफ पावर मानूंगा. मे बी जो मैं न्यू टेरिटरी लू उसके साथ मैं ये ना करूं. यू आर अंडरस्टैंडिंग? दैट डज नॉट मीन कि अगर मैंने न्यू टेरिटरी के साथ वही फेडरल रिलेशनशिप नहीं रखे तो इंडिया, दैट इज भारत, शैल नॉट बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टेरिटरी इज अ फार ब्रॉडर वर्ड. थोड़ा सा दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मैं सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स पे अपनी डेफिनेशन कन्फाइन कर दूं कल मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी. वाई? बिकॉज हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग दैट, जस्ट यू नो, जस्ट अ थॉट, यू नो, गालिब दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मैं कल पीओके एक्वायर कर लेता हूं. मे बी, हू नोस. तो मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर मैं एक्वायर करता हूं तो उसको तुम बोलोगे सर इसको भी डिविजन ऑफ पावर दो, इसको भी सबको दो. नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग. द डेफिनेशन ऑफ वर्ड हियर इज वेरी ब्रॉड. सो द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो टेरिटरी वर्ड यूज किया गया था वो हर उस एरिया को दे दिया गया था जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है. मैं डाल दूंगा फर्स्ट शेड्यूल में एंड देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो लेट्स नॉट गो इन टू द फंक्शनल अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. राइट? इट इज टेरिटरी. So I can acquire also, power sharing may differ. I hope you are understanding. Okay, this is also all given in the books, but I'm just explaining it to you because it is given in a very cryptic language. All right. Now Article 2. इसमें लिखा हुआ Parliament may by law. ये law है, बड़ा जरूरी है, ध्यान से सुनते जाना, यहाँ पे बड़ा important बात है. Admit new states into the union or establish new states on terms and condition it deems fit. My friends, अगर तुम्हें ठीक से पॉलिटी पढ़नी है ना तो तुमको राजनीति समझनी है ना, दिस इज द पार्ट हियर. लुक एट द पावर ऑफ आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 सेज आई कैन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, आई कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन आई डीम फिट. पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप. ये वर्ड याद रखना, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, इससे समझो. ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो कल स्टेट्स नहीं बोल सकते कि सर आपने जब उस स्टेट को बनाया ना तो कुछ अलग डिसीजन किया या कुछ अलग अरेंजमेंट था, मेरा अरेंजमेंट कुछ अलग था. हम बोलेंगे कोई बात नहीं यार, ये हमारे हाथ में, वी कैन डू इट एट एनी टाइम एट एनी कंडीशन इट डीम्स फिट. तो मैं सेशन से करूं, ऑक्यूपेशन से करूं, कॉन्क्वेस्ट से करूं, सब्जुगेशन से करूं, मैं जिस मर्जी तरीके से करूं, आई कैन एक्वायर दिस टेरिटरी ऑन द कंडीशन आई डीम फिट. आई एम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 3. Now, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिदा याद रखते, ऐसे याद रखते, मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे याद रखते, बट इसको फिदा याद रखते. फिदा कैसे याद रखते? सॉरी. पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू ऑर मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट और यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ से. आई दाइज मैं किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्म अ न्यू स्टेट करूंगा. इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड ऑल्सो ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. तो इसको फिदा याद रख लो. ओके, ये कभी भूलोगे नहीं. सो आर्टिकल 3 सेज दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ, ये बड़ा जरूरी है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ, क्योंकि डू एनी ऑफ दीज फिदास. राइट? सो यू कैन हैव फॉर्म न्यू अरेंजमेंट्स और फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश, ऑल्टर द बाउंड्री और ऑल्टर द नेम. इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3, ध्यान से सुनो, आर्टिकल 3 कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लग तो यही रहा है. राइट? और जब ये लग रहा है तो देर इज अ प्रॉब्लम. हाउएवर इसमें थोड़ा सा सेफ गार्ड है, इसमें प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत है. एनी ऑफ द फिदा में यू विल सी देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन एंड ऑल्सो रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये भी टाइम बाउंड होता है. अगर उसके बाद भी स्टेट लेजिस्लेचर या तो रिप्लाई ना करे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बोले नहीं नहीं यार हम नहीं मानते आपकी बात, इसे छोड़ यार कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट. यू आर अंडरस्टैंडिंग? मैं फिर यही बात बोल रहा हूं, वी आर अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी टिल्ट. हम मौका भी दे रहे हैं कि भाई तू बता दे स्टेट लेजिस्लेचर कि तेरे को नया स्टेट बनवाना है कि नहीं बनाना, हम उसका सुन लेंगे, हम उसकी राय मांग लेंगे.
One, they have to give that answer in a time-bound manner. Second, even if you give that, it is not binding on me. So please understand. In other words, line actually yahi hai. Parliament can redraw. Ispe bahut acha question ban sakta hai. Chahe aap left se socho, chahe right se socho. Chahe naak ko idhar se pakdo, chahe udhar se pakdo. It is actually the parliament which decides. So 123, article 123 will always decide the territory. Okay, ab ek aur important baat hai. It is a crucial safeguard, but different in USA. Why is it different in USA? You different in USA kyun hai? Because territorial structure or territorial maintainability in USA is a constitutional reality. Wahan par constitution ne protect karke rakha hua hai that you will not change the constitution, that you will not change the constitutional map here or the territorial map. Yahan par kya hai? Parliament can redraw. So very important. India is a federation. Huh? India is a federation, but India is a quasi-federation. Why? Because the parliament can redraw the map. Are you understanding? Aise pakadte point ko. Inhi cheezon se. So article 1, 2, 3. Ab ye 2 and 3 jo hai, isme badi sari major problems hai. 2 and 3 has to be protected by 4. In other words, the parliament by law can do this article 2 and 3. Right? It is allowed. So article 4 protects this privilege of the parliament for to use its powers under article 2 and 3. So yaad rakhna, 2 and 3 is protected by article 4. एक और इंपॉर्टेंट बात है मैंने कोई नया स्टेट बना दिया ना ये पता नहीं क्यों करते लोग ओके आई डोंट नो ऐसा क्यों पढ़ते जब न्यू स्टेट बना दिया ना तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है ओके बट प्लीज रिमेंबर नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरह ट्रीट ही नहीं करते इट इज वेरी सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी बिल ओके इट इज वेरी सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी बिल ऑल यू रिक्वायर इज अ सिंपल मेजोरिटी तो आर यू नोटिसिंग द यूनियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं राइट एंड इट्स रिटन I don't know if you can read that properly, fine. But please remember it is like an ordinary bill. Everything I'm reading, I'm not saying a word extra from Laxmikant. But what I'm trying to tell you is try and understand the sequence behind this. Ye hai kya? Isi chakkar mein hua Berubari case. I don't know for any one of you who has watched my video. Bhagwan kare agar dekha nahi hai, to please dekh lo ya, wo tumhare kaam aayega. Okay, it's a very important video. Berubari Union case was what? Okay, Berubari Union case was That the Radcliffe boundary commission had made a mistake. A region south of Thana number 12 in the New Jalpaiguri region. Okay. Jo jana chahiye tha East Pakistan, reh gaya India mein. And the north part jo jana chahiye tha Pakistan mein, okay, India mein, wo Pakistan mein. So in other words, there was exchange of conclaves required in the Berubari region. 1952 में पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल डिस्प्यूट राइज किया ओके दे मेड एन ऑफिशियल डिस्प्यूट कि बेरुबारी हमारा पास हमारा एरिया है हमारे पास हमें वापस दो राइट एंड 1958 में नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ नून वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम नेहरू नून एग्रीमेंट में नेहरू डिसाइडेड टू सीड अवे टेरिटरी इन वर्ड्स को याद रखना मैंने क्या बोला सीड अवे टेरिटरी तो भाई हमने सीड अवे टेरिटरी किया मुझे समझ में नहीं आता ओके तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम इंटेलिजेंट हो आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट ये लिखा हुआ है ना सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट ओके यानी कि मैं वेस्ट बंगाल में से कोई एरिया सेपरेट कर सकता हूं क्या कैन आई डू इट ओके आई डोंट नो यहां पे सेपरेट लिखा हुआ है सेपरेट कर सकता हूं हां कर सकते हो बट कैन आई गिव इट टू अ फॉरेन कंट्री आई डोंट नो ये ऐसा लिखा नहीं हुआ एंड व्हेन कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू नो तुम्हें सवाल समझ में आ गया जवाब तो तुम्हें मैं बता ही दूंगा बट पहले सवाल तो समझ लो मोस्ट लोगों को बेरुबारी का सवाल ही नहीं पता दिस इज अ सवाल बेरुबारी केस में था दैट आर्टिकल 3 अलाउज यू टू सेपरेट अ बाउंड्री सीड अवे भी है क्या कैन यू गिव इट टू अ फॉरेन कंट्री इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स हाँ जी समझ गया बट कैन आई सीड अवे अ टेरिटरी ओके दिस वॉज अ क्वेश्चन इन बेरुबारी केस एंड द बेरुबारी केस में बेरुबारी यूनियन केस में आर्टिकल 143 की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट सेड नो यू कैन नॉट डू दिस You will have to bring about a constitutional amendment to do this. And
Article 3 does not cover session. You cannot cede away. And therefore, the 9th Constitutional Amendment Act 1960 had to be passed. And then and only then you can give a ceding away or you can give away territory to a foreign country. I hope you tumhe ye language ab samajh mein aane lagi. So, Berubari case, mein hum log ko ye baat samajh mein aane lagi, ki what is the difference between ceding away territory and separating of territory. Phir hua hamara land boundary agreement. Ye sara ka sara abhi bhi chakkar hai. Now, problem kya hua? 9th Constitutional Amendment Act jab ho gaya na, to us time pe there was many headaches which we had to be done. 9th Constitutional Agreement could not be notified for the regions, various regions of Bangladesh, which was the East Pakistan region. Bahut sari cheeze humne kiye nahi. Dusri baat, hum logo ne Bangladesh ke saath aisa hi ye exchange of conclaves region humne pehle bhi kiya tha on 16th May 1974. Lekin again, because of various political hassles, hum logo ne 16th May 1974 ka ye agreement, jisme we were supposed to exchange conclaves. Ye exchange conclaves fir kya hua? Ceding of territory. ये by chance हमसे ratify नहीं हो गया. And therefore the 100th Constitutional Amendment Act 2015 pass करना पड़ा. Again very similar to this. That is what is called as a land boundary agreement or LBA of Bangladesh. So point here is you have to be very very careful on this part. There's a difference between separation and ceding. Okay. So giving away this property. अब चक्कर क्या हुआ? Now, when I say India, that is Bharat shall be a union of states, now my friends, ki states ka hamara jo federation hai na, hamara jo union hai, uska aagaz, uski beginning badi shaky thi. Okay, I hope you realize jab Indians jab India ko chhod ke Britishers chale gaye, to they left it as a very unstable structure. Plus ek bada major tha, and that was a Hindu dominated region will form India, Muslim dominated region will so form Pakistan. Then there was another headache of princely states. उनमें से भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर. आई होप यू नोटिस ऑल दिस. नाउ इट वाज थैंक्स टू द ग्रेट सरदार पटेल की हमारे पास कम से कम यूनिफिकेशन हो गई. लेकिन फिर भी हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में चार डिफरेंट स्टेट्स बनाए. ओके, और चार डिफरेंट स्टेट्स की क्लासिफिकेशन की. पार्ट ए वॉज 9 ऑफ दोज रीजन्स व्हिच वर गवर्नर रूल्ड इन द ब्रिटिश डेज. Part B were another 9 which were princely states with legislature. Part C were 10 which were chief commissioner ruled, and some princely states were also there. And Part D was sole, only we're dealing with Andaman Nicobar. So we had a classification of Part A, Part B, Part C and Part D. 9, 10 or 8. Fir hum log ko bola ki yaar isko divide kaise karenge, ye Part A, Part B, Part C, Part D to ye kada ad hoc structure hai, isko ad hoc bolte, temporary arrangement hai, iska kuch karna bhi to padega na, princely states ko bhi tumne le liya hai, all that stuff. अब कुछ फिक्स अरेंजमेंट तो हो जाए. तो हम लोगों ने सोचा कि यार इसको है ना किस बेसिस पे करें. तो बोला कि लैंग्वेज इज द बेसिस डिवाइड करते हैं, इंडिया को लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवाइड करते हैं. तो एसके धर साहब की कमेटी हुई 1948 में, उन्होंने बोला कि लैंग्वेज इज द ओनली बैरियर. ओके, देन द जेवीबी कमेटी, द जेवीबी कमेटी विच वॉज यू नो कंप्लीटली अगेंस्ट दिस मेथड, दे सेड नो वी आर नॉट डूइंग दिस, we are not using language. I should be very clear on this part. I'll tell you something very clearly. Mahatma Gandhi himself was in the favor of linguistic division. Okay. Aur unhone kai sare apne articles mein likha tha. I'm just telling you this. Okay. Unhone kai sare articles mein bola tha that the language pe division honi chahiye. There's nothing wrong about it. Lekin then came the partition funda. I hope you realize. And then the communal rights, etc. To sab log ka ye structure, it was very shaky. कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन इज गुड और नॉट. राइट, व्हेन इट वाज सेड कि इट इज गुड, सम पीपल सेड नहीं नहीं, यू नो पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आल्सो. इनफैक्ट महात्मा गांधी के खुद के लाइन से, हु इज थिंकिंग ऑफ इंडिया एज अ होल एज ऑफ नाउ, बिकॉज कम्युनल राइट्स में तो कोई भी एक दूसरे को सोच भी नहीं रहा था. सो देयर वाज मेनी अ थॉट्स, एंड बट देन महात्मा गांधी वन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड ही डाइड अ यू नो अनटाइमली डेथ ऑफ एट दैट टाइम, एन असैसिनेशन हो गया. But thankfully, this happened. Now, यहाँ पर जब ये जद्दोजहद चल ही रही थी, when this argument was happening, okay, under the huge demand of Andhra Pradesh on the basis of Telugu speaking territories, Andhra Pradesh was made. This was 1953. They made Andhra Pradesh on the basis of Telugu speaking region. जैसे ही ये हो गया, the doors opened. Okay, वही वाली बात थी. It was a box that was waiting to be opened. सब लोग यही demand कर रहे थे कि you know let's have some kind of arrangement on the basis of language. There were many people, you know. In fact, Nehru was at a time saying ki sirf administrative convenience ke basis pe banate hai.
सम लोग ने किसी और ने कुछ और डिवाइड किया, बट लैंग्वेज बिकेम अ रियलिटी ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सडनली एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग फॉर आंध्र प्रदेश. नाउ हियर इज व्हाट आई वांट यू टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू इन दिस लक्ष्मीकांत बुक. आगे आगे जाते जाओगे ना, इसके बाद जहां मैं खत्म करूंगा वहां पर वेरियस स्टेट्स की फॉर्मेशन के ईयर्स दिए हुए हैं. राइट, आई वुड लाइक यू टू रीड ऑल दिस एंड मेमोराइज. सिक्किम कब ऐड हुआ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ, महाराष्ट्र गुजरात कब से पेट हुआ, 1960 में क्या हुआ. ओके, यू विल हैव टू डिस, कौन सा स्टेट किसके मर्जिंग से बना, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज. इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता, बट यू मेमोराइज. ये कभी कभी एज अ प्रिलिम्स क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं कि when did Goa become a part of India, which of the states became a part of India because of a military conflict. तो जूनागढ़ का नाम ले लोगे, हैदराबाद का नाम ले लोगे. You know, you are understanding this part. So these are important parts that you should know, right? इसमें नेफा क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या था. ओके, देन यू से पंजाब एंड हरियाणा गॉट सेपरेटेड वेन, महाराष्ट्र गुजरात गॉट सेपरेटेड वेन, दीज आर सर, तेलंगाना गॉट फॉर्म्ड वेन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ये सारे ईयर्स और डेज और ये सब बहुत अच्छे तरह से दिए हुए, इनको मेमोराइज कर लेना और ये बड़े काम आएंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड रट लो. ओके, ये काम आएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस पार्ट. ओके, देयर इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट. Then the Fazal Ali report came and Fazal Ali report finally said language shall be the basics. Ho gaya, clarified ho gaya. Now we will not wait for this. This was 1955 and 1956. We started passing the State Reorganization Act of 1956 and the 7th Constitutional Amendment Act. Now this is the beautiful journey from jahan se humne start kiya ki India, that is Bharat, shall be Union States. We started with part A, B, C, D states. We thought of language. We were disputing language. Then Andhra Pradesh became a language-based state. Then we had the Fazal Ali report and we said हम बहुत हो गया, अब linguistic lines पे हम लोग बनाएंगे, no doubt about it. The state reorganization was done and the state reorganization act 1956 along with the 7th constitutional amendment act 1956 आया. जैसे ही आया हमने वो part A, B, C, D का concept भूल गया and we divided India on the basis of language. We redefined the concept. We now divided it into states, we divided it into union territories. There was no distinction between part A and part B and part C was abolished. Please remember this. Okay. Number one, we divided our territories into states and union territories. There had no distinction between part A and part B and part C was abolished. And voila, we have the state and the union territory as we are arranging. Another important part, we still have certain specific regions like Jammu and Kashmir having special status and so on and so forth, which I hope you now know that we are doing this in 2019. Even that has been changed. This is again, remember, parliament can by law redraw the maps. So we have redrawn the maps because of these parts. So India is a quasi-federal structure. Ab 100% proven ho gaya. Why? Because it has a unitary bias. Okay. States do not form union, the Union of India. Union of India gives rise to states. Are you understanding? So India is going to give rise to the union of the, sorry, the states. And we can form and increase and diminish and alter the state. This is why it is called as unitary tilt. Ye tumhe question aayega, parliament can redraw the map of India. That is a spirit of quasi-federalism. This is the words of Vere. So actually, this pure chapter ka jo saar hai na, wo saara, the actual essence is that are we a quasi-federal state or not? And how did we actually arrange ourselves? And how do we prove that we are a quasi-federal state? Rest of it is pretty much prelims questions on basis of factuality. Nothing more to this than this. Remember only two judgments actually. Berubari judgment and the land boundary agreement. That has two very important parts. And the formation of state reorganization and the 7th constitutional amendment act. Aur isme se kuch karne ki zarurat nahi. Don't waste your time unnecessarily on this part. So we are an indestructible union. Yes, we believe in the spirit of federalism. Federalism is a common thread. And that is the basic structure of the constitution. So, hum log states ko territories ko apna part banate hain, but there will be division of power. But that having said, aisa zaruri nahi hai ki hum sabke saath same hi power distribution karenge. We can have different power distribution. The word over here is territory. So, summary kya hai? That we are talking of territory of India. First schedule mein hum uska naam dal denge, wo automatically territory of India ho jayega. Wo automatically territory will be understood as union of states. It is a union of states. And this is the spirit of quasi-federalism. Please remember, ye ek aur prelims question ho jayega. It is derived from the structure of Canada. America or USA is a true federation. England is a unitary state. India is a quasi-federal state. You should know
किसको कितना पढ़ना है। इस चैप्टर में इतना पार्ट कॉन्सेप्चुअल है, बाकी पार्ट प्योर मेमोराइजेशन है। सो स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स जो मैंने तुम्हें बताया, कौन सा स्टेट कब बना, कौन सी अमेंडमेंट से बना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओनली दोस थिंग्स नीड टू बी मेमोराइज, उनको अलग से करो। इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल सिर्फ इतना है, ओके। दिस इज मोर ऑफ अ फिगरेटिव एंड मोर ऑफ अ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन दैन एनीथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज अबाउट एंटायर स्ट्रक्चर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन चीजों को और डिटेल में किया जा सकता है, इफ यू कैन डू इट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोर प्रिपरेशन, प्लीज टेक दिस कोर्स एज अ 2 ईयर कोर्स। 1 ईयर कोर्स शैल बी अवेलेबल फॉर 31,500। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, इस 31,500 में सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट। नॉट डोंट डू इट फॉर मल्टीप्लीकेशन। 2 ईयर कोर्स विल बी फॉर 50,400। यूज दिस कोड SIDLIVE एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, please like, please share and subscribe. Until next time, God bless. Thank you.